Welcome to all my dear students. This is Dr. Sarfaraz from Infinity Learn by Sri Chaitanya. I am going to discuss with you the key and solutions of our neat chemistry which you have written today. So stay tuned and be ready with me. So the first question which appeared in your examination was dihedral angle of least stable conformer of ethane is. Everybody should know. Direct answer I will tell you first. Answer is the first one. Why? What is dihedral angle? The angle between the two reference groups. So everybody know the hydrogen atoms which are present. Okay, actually in reality, when you see this hydrogen, you cannot see this one. They are overlapping with each other, right? Hence the angle is what zero degrees there, and the key goes what one. So without wasting time, let me uh, move ahead. The structure of beryllium chloride in solid state and vapor phase are. So everybody should know that in solid state what is beryllium chloride beryllium chloride is electron deficient compound and to fulfill its valency it tries to attain octet hence in solid form since it is stable it exists in chain form as a linear polymer which you can see in your books and where you can find the bridged chlorine atoms and the chain goes up to infinity Whereas, it it comes to vapor phase, it converts itself into dimer. ठीक है बच्चों तो फिर से aap आप ko को जो हिंदी वाले लोग हैं हमारे beryllium chloride ek एक electron deficient compound hai है ठीक है तो अपने ko octet satisfy करने के लिए वो आपको सॉलिड फॉर्म में चेन में बनेगा और आपके वेपर फेस में वो डायमर बनेगा Hence आंसर क्या है इसका आंसर टू है इसका एक सेकेंड यहां पर रुक कर ये कहना चाहूंगा आप लोग को कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इन्फिनिटी लर्न के आई और मॉक टेस्ट नीट की अटेंड किए आप देख सकते हैं लॉग इन करके मैक्सिमम क्वेश्चन सेम मॉडल हमारे ही इन्फिनिटी लर्न से, से आए हुए हैं नॉट द क्वेश्चन आर नॉट एग्जैक्टली सेम बट मेनी मॉडल्स आर द सेम ओके सो विल डिस्कस इट फर्दर ओके आगे बढ़ने पे आइडेंटिफाई द कॉम्पाउंड हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड विच डिजॉल्ड इन अलकली क्या मतलब है इसका इसका मतलब यह है कि एक कॉम्पाउंड है जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा और एक सॉलिड बना और फर्दर अल्कली में भी डिजॉल्व हुआ इसका मतलब यह हुआ आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट है हेचआर और लीजिए के ले ली या जो भी है ले लीजिए आप ठीक है और अगर वो प्राइमरी अमाइन है तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा और KOH के साथ भी रिएक्ट होगा अगर वो सेकेंडरी है तो हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट होगा KOH के साथ नहीं होगा अगर वो टर्शरी है तो ना हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट होगा ना KOH के साथ रिएक्ट होगा इसका रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि हिंसबर्ग रिएजेंट के पास क्लोरीन है और अमाइन के पास दो हाइड्रोजन है तो आप देख सकते हैं कि आंसर फोर है क्यों क्योंकि पहला जो हाइड्रोजन है द फर्स्ट हाइड्रोजन इट विल बी लॉस्ट विथ इन द फॉर्म ऑफ एच सी एल एंड दूसरा जो हाइड्रोजन है वो बेस के साथ चले जाएगा तो आपका आंसर हुआ फोर्थ वन द आंसर विल बी फोर्थ वन ओके इंडायरेक्टली प्राइमरी अमाइन राइट राइट आगे बढ़ेंगे आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम मैं आप टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहा हूं डायरेक्ट की और सोल्यूशन पे बात करेंगे जनरल डिस्कशन फिर कभी करेंगे ठीक है राइट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन ए सी एल एच सी एल एंड सोडियम असीटेट आई डेंटफाइनेट डूशंस आर गिवन रेस्पेक्टिवली और इसके हमारे को पूछ रहा है कि इसका करेक्ट चॉइस क्या है मोलार कंडक्टेंस असिडिक एसिड का पूछ रहा है तो हम हमें हमें किसने कै, कैसे करना पड़ेगा इसको बोलिए तो मोलार कंडक्टेंस असिडिक एसिड का हमारे को निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि हमें मोलार कंडक्टेंस एच सी एल का और मोलार कंडक्टेंस ऑफ सोडियम असीटेट माइनस मोलार कंडक्टेंस ऑफ एनएसएल करना पड़ेगा और आपको सब्सटीट्यूट करने पे इसका आंसर आ जाएगा आपको 390 आ जाएगा आपको ठीक है आप सब्सिट्यूट कर लीजिए एडिशन सबरक्षण करने के लिए मैं यहां पर नहीं हूं वो आप लोग इजी कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही क्यूरियस है आंसर्स के लिए और सोल्यूशंस के लिए तो आपका आंसर हो गया थर्ड वन थर्ड वाला ठीक है और हम और आगे बढ़ने पर हाँ ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सताने वाला है यानी इसमें कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से देखिए आप क्या पॉसिबिलिटीज निकल कर आएगी यहां पर तो यहां पर क्या है द राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्ट्राइड्रल वर्ड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव पैकिंग तो देखिए ठीक है थीके? यहां पर क्या कहा कह रहा है वो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल तो अब सवाल ये उठता है कि इट्स व्हाट इज द मीनिंग यहां पर ये बात है कि क्या ये

के हेक्सागोनल पैकिंग में छः एटम्स ऊपर है छः नीचे है और बीच में तीन है और हेक्सागन के सेंटर पे एक है और नीचे एक है यानी आपको इफेक्टिव एटम्स आने वाले हैं पे में इफेक्टिव इफेक्टिव एटम्स आने वाले छः तो आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो गए बारह और ऑक्ट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो गए छः लेकिन ये बना केस नंबर वन राइट अब केस नंबर टू क्या हो सकता केस नंबर टू ये हो सकता कि हम टू डी लेंगे राइट टू डी का पार्ट लेंगे यानी एक पार्ट लेंगे सिर्फ राइट right? जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है अगर हम टू डी का पार्ट नहीं लिए तो यहाँ पर इफेक्टिव एटम्स आने वाले हैं इफेक्टिव एटम्स कितने आने वाले हैं सिर्फ दो आने वाले हैं देरफोर्स इस केस में टेट्राहीडलवाइट्स आपको चार बनेंगे और ऑक्ट्राहीडलोइट्स क्या बनेंगे आपको दो बनेंगे राइट right? तो इसका मतलब ये हो गया है कि इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमारे को हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल प्रिमिटिव कहकर इसने कुछ हमारे साथ कॉन्ट्रोवर्सी की राइट right? राइट right. आगे बढ़ेंगे ट्रिटियम ये तो बहुत ही आसान सा एन का डायरेक्ट क्वेश्चन है ठीक है क्या क्वेश्चन है ट्रिटियम रेडियो आइसोटोप आप सबको पता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में एक तो हाइड्रोजन खुद है एक ड्यूटेरियम है और ट्रिटेरियम है ट्री इज़ रेडियो एक्टिव एंड एवरीबडी नो दैट इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन एमिटार हम ट्रीटीएम को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिटार और यानी इलेक्ट्रॉन नथिंग बट वॉट बीटा पार्टिकल सो डायरेक्ट आंसर है और इसका साइड प्रोडक्ट आता हमारा हीलियम न्यूक्लियस और आगे बढ़ने पर ये हाँ ये ये क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ईजी है और ये डायरेक्ट आपकी एन के मॉडल का है और डायरेक्ट ही आप कर सकते हो तो एनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड कंटेंट सेवेंटी एट परसेंट कार्बन ठीक है पहले तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर कह दूँ अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन इसका आंसर आने वाला है फोर मैं बताऊंगा रीजन ठीक है कुछ लोगों ने शायद सी एच फोर टिक किया बट आंसर इसका आने वाला है फोर हाउ आल से यू तो कार्बन कितना है आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है बताइए सेवेंटी एट है यानी आप इसको ट्वेल्थ से डिवाइड कर लीजिए और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है तो रिमेनिंग इज हाइड्रोजन तो एटी ट्वेंटी टू so, 22 डिवाइडेड बाय 1। आप इसका जब रेशियो निकालेंगे तो आपको यहाँ पर आने वाला है फर्दर रेशियो सिंपलेस्ट रेश तो डिवाइड करेंगे तो आपको आने वाला है सी वन हेच थ्री आएगा आपको एक्चुअली सी वन हेच थ्री अगर हम कोई सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम टू एग्जैचुरेटेड यानी बहुत ही यू uh, नो you know, अगर मैं फोर से मल्टीप्लाई करूँ राउंड ऑफ करने के लिए तो सी फोर हेच टेन mm, ट्वेल्व हो जाएगा वो तो इट्स नॉट पॉसिबल राइट सो देयर फॉर वी नो दैट हम पॉइंट फाइव के नीचे वाले को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉइंट ऑफ रूल से हम इग्नोर करते हैं तो इसीलिए द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस इज वॉट सी एच थ्री ठीक है और आगे बढ़ेंगे वॉट इज द यू पी एस सी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड फॉर्म इध अ केमिकल रिएक्शन तो ऐसे प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक में तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं नहीं हैं तो इसके लिए हमको सोल्यूशन करना पड़ेगा तो बताइए तो एसीटोन क्या है दिस वन एंड यू आर हैविंग इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और ये नेगेटिव चार्ज है और यह यहाँ पर अटैक करेगा आपको राइट right? और एज ए रिजल्ट आपको बन जाएगा सी टू हेच फाइव ओ माइनस दिस इज एम जी बी आर आई नो द आंसर मैं आप लोग को आंसर पहले ही बता दूँगा कि आंसर वन है बट हाउ कैसे बनाया ठीक है और इसको अगर आप फर्दर हाइड्रोलाइज किए तो आपको आ जाएगा अब अकॉर्डिंग टू आई यूपीएससी रूल अगर आप अप्लाई किए तो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड पोजिशन पर मिथाइल है और टू मिथाइलरी यू नो डिस्कस वॉट इज द गिविन कॉम्पाउंड तो आंसर हो गया आपका वन और आगे बढ़े चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ग्राफिकल ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है शायद बहुत सारे बच्चे ये देखकर डर गए होंगे कि यार ये ग्राफ ग्राफ वगैरह आ गया बट आपको अगर आपकी बेसिक्स बहुत ही अच्छी है तो आप दो दो तीन ग्राफ तो रिजेक्ट कर ये ये ग्राफ तो आप रिजेक्ट कर दोगे ईजीली ये ग्राफ भी रिजेक्ट कर दोगे ठीक है तो इसका यहाँ पर आपको शायद पता होगा कि बॉयल्स लॉ में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका पी का जो प्रोडक्ट है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है राइट तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पीवी का प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली रेज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर हो गया आपका वन वेरी इजी वेरी इजी नॉट इट्स नॉट एट ऑल टफ क्वेश्चन ओके बहुत लेकिन शायद हो सकता कुछ स्टूडेंट्स को टफ लगा हो लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं आप लोग को जिन बच्चों ने हमारा इंफिनिटी लर्न टीचर देने के आई और मॉक टेस्ट को अटेंड किया उन बच्चों को बहुत सारे मॉडल्स बहुत ही ईजी लगे होंगे आप देख सकते हैं हमारे इन्फिनिटी लर्न की वेबसाइट पर आकर आपका मोबाइल नंबर ऐड करिए और ओ मिलेगा आपको यू हैव ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन चेक द ऑल द टेस्ट एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल फॉर नीट एंड आई आई टी एंड एडवांस राइट द करेंट स्ट्रक्चर ओ आई थिंक डेकिन देखिए ये एक प्रिंटिंग uh, एरर आ गया अब यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर लाइन नहीं है एक प्रिंटिंग लाइन ये प्रिंटिंग एरर है ये ठीक है ये जो बीच में लाइन जो आ गई है ना आप लोग को ये एक्चुअली नहीं आना चाहिए था ठीक है ये जो लाइन है एक्चुअली नहीं आना चाहिए था बट आ गई है वो ठीक है ओके दिस लाइन निकाल देना पड़ेगा आपको तो आप अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें ठीक है टू सिक्स हम ड्रॉ कर देंगे डायरेक्ट क्योंकि अभी ये थोड़ा स्ट्रक्चर्स यहां पर लाइन आ ये है ये नहीं आना चाहिए था ठीक है राइट right. तो टू सिक्स तो अगर मैं उसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन है टू सिक्स यानी टू और यहाँ पर सिक्स टू सिक्स डाइमिथाइल डेक फोरिन यानी ये आपको यहां पर बॉन्ड आएगा यानी अकॉर्डिंग टू दिस आंसर ये है लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं है ये थोड़ा सा हमारे पास प्रिंटिंग का एरर हो गया जो कि होता राइट बिकॉज यू नो ऑपरेटर्स लोग जो होते हैं, वो दे आर नॉट वेल वर्सड विद इन इट्स ओके इट्स अ माइनर एरर ओके चलिए आगे बढ़ेंगे सिक्सटी वन मैच द लिस्ट ये तो यार आप लोग टेंथ क्लास में भी पी सी एल फाइव पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे टेंथ क्लास में भी है मैं भी जब पढ़ा था नाइन्थ में टेंथ में पीसीएल फाइव का स्ट्रक्चर आपको मिल गया होगा ठीक है तो आप सबको पता है कि पी सी एल फाइव का स्ट्रक्चर क्या है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल राइट right? और एस एफ सिक्स सिक्स का स्ट्रक्चर क्या है ओके एस एफ सिक्स है स्क्वेयर प्लेनार बाई बाई और जिसको हम प्यार से ऑक्ट्राइडल भी कहते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस आई थिंक यू कैन गेस दी आंसर और बी एफ थ्री बी एफ थ्री कहाँ पर है ओ ट्राइगोनल प्लेनार और बचा क्या बी आर एफ फाइव स्क्वेयर पिरामिडल अगर आपको चाहिए कि इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हाउ तो मैं आपको बता दूंगा नो इश्यू नो इशू आपको तो राइट ये कौन सा मॉलिक्यूल है ये ए बी फाइव टाइप वाला मॉलिक्यूल है और ये कौन सा मॉलिक्यूल है ए बी सिक्स वाला है और ये कौन सा है ए बी फाइव एल है ये यानी यहाँ पर लोन पेयर है यहाँ पर तो वो लोन पेयर स्पिलेनर प्लेनर के नीचे आएंगे टू तो ओवर ट्रिपल्शन और बी एफ थ्री आपका ए बी थ्री मॉलिक्यूल है लाइक फैन ब्लेड के फैंस की तरह है तो यू नो द आंसर फॉर इट राइट अब ये तो बड़ा ही एन का डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस के ऊपर है यानी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है राइट right? वो क्या है द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फॉर इज अगर आप एन की बुक्स देखें तो आपको मिलेगा अराउंड ट्वेंटी वन हंड्रेड मिलेगा आपको यानी 5000 तो नॉट पॉसिबल है ठीक है 1200 नॉट पॉसिबल है 1900 और 2200 पॉसिबल है यानी ऑलरेडी एनसीआर में आपको 2100 डिफाइंड है इसका मतलब ये हो गया कि नियर बाई आप 2200 केल्विन आप ले सकते हो राइट सो so इसमें कुछ बड़ा यू नो इट्स नॉट अ बिग इश्यू ओके इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन ये तो सबसे सबसे ईजी वाला क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको आया है आपके मैं ये नहीं कहूँगा कि नीट का क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी था नीट का क्वेश्चन में अपना ओन स्टैंडर्ड था कुछ क्वेश्चन ईजी थे कुछ मॉडरेट और कुछ टफ बी वाला सेक्शन मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ था थोड़ा सा नॉट ज़्यादा वाला नहीं तो आप सबको मालूम है कि सी पी माइनस सी वी इजिकल टू एन आर ये तो बहुत बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और आपको डायरेक्ट कह दिया वो वन मोल ऑफ ए गैस वन मोल ऑफ ए गैस का मतलब ये हो गया एन टू क्या हुआ वन अगर एन वन हो गया तो आपका आंसर सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर थर्ड वाला आंसर हो गया वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ओके और आगे बढ़ेंगे हाँ ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन ऑर्डर यस दिस इज करेक्ट ये बिल्कुल सही है आप सबको पता है कि हेच आई हाइड्रो आयोडिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रांग एसिड है उसका रीजन क्या है उसका रीजन ये है कि हेच आई में बहुत सारे रीजन्स मैं दे सकता हूँ आप लोगों को एक रीज़न ये है कि ये बॉन्ड जो है बहुत ही बहुत ही लॉन्ग है तो ये बॉन्ड वीक हो गई दैट इज़ वन रीज़न सेकेंड थिंग आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो उसका बॉन्ड लेंथ लंबा हो गया दैट इज अनदर रीजन और एक रीजन क्या कह सकते हैं आप लोग कि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का उसका अट्रैक्शन बहुत वीक है तो ये आयोनाइज बहुत फास्ट हो सकता है ऑलमोस्ट हंड्रेड हो सकता है ंग एसिड तो स्टेटमेंट टू पढ़ेंगे जल्दी होगा यानी दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहां पर बिल्कुल ही करेक्ट है ठीक है आगे बढ़ेंगे राइट अच्छा मैं आप लोग को फिर से कह रहा हूं कि हमारे यहां इन्फिनिटी लर्न में 2022 नीट के लिए नया बैच फॉर्म हो रहा है आप लोग हमारे वेबसाइट पर जाइए लॉग इन करिए रजिस्टर करिए और आप लोग को मैं डॉक्टर सरफराज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का कोर्स लेकर आगे बढ़ूंगा ठीक है तो प्लीज ज्वाइन by लर्न बायचनिया फॉर न्यू अपकमिंग बैच एज अर्ली as पॉसिबल as तो आगे बढ़ेंगे हम लोग द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट इफेक्ट ओ माय गॉड अगर आप लोग को बहुत ही बेसिक पता है बोर्ड लेवल का तो ये आप सॉल्व कर लोगे टिंडालफेट के कौन कौन से कॉम्पाउंड बताते या सोल्यूशंस बताते कोलोडल सोल्यूशन टिंडालफेट है क्या टिडाल इफेक्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलोडल सोल्यूशन आप सबको पता है कि यूरिया का जो सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ग्लूकोज सोल्यूशन ये तो बहुत ही क्लियर सोल्यूशंस आप पानी में डिजोल्व करोगे तो क्लियर है एकदम ये सिर्फ आपको स्टार्च का सोल्यूशन यानी अगर आपके घर में आलू आलू का आलू, आलू को बॉईल करोगे और उसका सोल्यूशन बनाओगे तो स्टार्ट सोल्यूशन बनेगा मिल्क गम रबर सोल्यूशन ये सारे आपको आपको कोलडल सोल्यूशन कैटेगरी में आते हैं तो ऑब्वियसली इट्स नथिंग बट स्टार्ट सोल्यूशन है ठीक है सो so, स्टूडेंट्स मैं आप आ, हम मेरे फ्रेंड है अमान प्लीज जॉइन विथ मी ही इज माई कोलीग मिस्टर अमान एंड फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन ही विल बी डिस्कसिंग विथ यू राइट I'll have some tea, coffee and come because my, you know, I'm feeling a little bit thirsty also, right? So Aman, best of luck, please continue your session. I'll be joining back for next half, okay, students? So I'll not say bye to you. Hello, everyone. Okay, so that was really a lovely, lovely explanation, short and quick. But I promise you all, mine will be even shorter and quicker, okay? So yes, the, let's start with question number six. Three, six. ओके एंड प्लीज मेक श्योर गाइज की इंटर रहे तो आंसर्स मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन इन टू अ ग्रेट डिटेल बिकॉज मेरे लिए बहुत सिंपल वे ऑफ टीचिंग है आंसर फटफट -फट मिलने चाहिए ठीक so, like okay, okay, है सो वी आर गोइंग टू गेट द आंसर लाइक दिस लेट एस क्विकली स्टार्ट ओके द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडीज सेंटर यूनिट्स सेल्स इन ऑल फोर्टीन टाइप्स ऑफ ब्रेव इज द बहुत सिंपल है

मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है मेटल डिस्प्लेसमेंट एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है डिसंपल सिंपल एज दैट देखो बहुत सिंपल है एक ही मेटल है तो डिस्प्लेसमेंट का कोई चांस ही नहीं होगा ठीक है सो पगेट अगॉट डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगेन ओनली वन मेटल डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपली दिख रहा है कि एक, एक है एक मॉलिक्यूल है टूट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे सो देर इज नो पॉइंट सिर्फ एक ही जगह मेरे को दिख रहा है मेटल डिस्प्लेसमेंट ये रहा ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है चेक कर लो क्लियर

रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे क्योंकि एनर्जी निकल चुकी है सारे में से कौन सा एक ऑप्शन दिख रहा है चेक कर लो क्लियर बहुत आसान है केमिस्ट्री बहुत इजी था ठीक है आई एम टेलिंग यू केमिस्ट्री इजी था इट्स जस्ट बेसिक थिंग्स ठीक है अगर आप लोगों ने इंफिनिटी लर्न के ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं मॉक टेस्ट दिए हैं तो ऑब्वियसली आपको पेपर ना काफी आसान लगा होगा भाई आपने तोड़ दिया होगा क्वेश्चन पेपर बट अगर नहीं किया है तो यस देर विल बी सम डाइसी सिचुएशंस ओके बट यस स्टिल टाइम गया नहीं है 2022 भी आएगा आ बैचेज आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज रिपीटेड रिपीटेज बैच प्लीज गाइज इंफिनिटी लर्न डॉट कॉम पर जाइए डिटेल्स निकालिए और रजिस्टर कीजिए एंड जैसे मैं यहाँ पे क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इट्स आर प्रॉमेस गाइज ये हमारी पूरी टीम का प्रॉमेस है आप भी इसी तरह से बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करोगे ओके okay. सो येस नेक्स्ट क्वेश्चन द पी के बी ओके यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग है ना इट हैज टू बी पी के बी इट्स ओके इट है दिस 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 इज गिवेन सो बेसिकली अपने को दिया हुआ है पी के बी और पी के ए अच्छा इसका मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ नो डाउट इन दैट इसका हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं बट लेट अस जस्ट कैलकुलेट ना फटाक से हो जाएगा ट्रस्ट में एक मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा ओके एंड पीके ए और पी के बी का वैल्यूज देख के इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है दे आर वॉट वीक एसिड एंड वीक बेस सो ऑब्वियसली अपना फॉर्मूला क्या होने वाला है पी एच इज इक्वल टू वॉट सेवन प्लस पीके ए माइनस पी के बी डिवाइडेड बाय टू वैल्यूज रख देते हैं फटाफट सेवन वॉट इज द वैल्यू ऑफ पी के ए फोर पॉइंट सेवन सेवन वॉट इज द वैल्यू ऑफ पी के बी थ्री पॉइंट टू सेवन डिवाइडेड बाई टू इस पूरे का आंसर क्या आएगा क्लियर दिख रहा है फोर माइनस थ्री इज वन और सिर्फ फाइव सो इट इज वन पॉइंट फाइव बाई टू दैट इज इक्वल टू वीरोइंट सेवन फाइव बोला था ना विद इन अ मिनट आ जाएगा ये सर नो गाइस हा या ना समझ रहा है परफेक्ट तो आई होप क्लियर ऑप्शन फोर आंसर है एक्सट्रीमली सॉरी फोर दैट ओके, सो यस दिस क्वेश्चन नंबर जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था बहुत फटाफट फड़ होने वाला है, अगेन टू ब्रोमो पेंटेन से पेंट टू इन ये रहा टू ब्रोमो पेंटेन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पेंट टू इन इसके दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं पेंट टू इन और पेंट वन इन मुझे पता है पेंट वन इन होगा तो क्या होगा ये हाफ ओके okay. और अगर पेन टू इन होगा तो राइट right? बोल दो या इट्स वन द सेम फॉलोइंग काफी आसान क्वेश्चन है आई गेस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है फॉलोविंग पॉलिमर पूछा है एडिशन पॉलीमराइजेशन बोला है आंसर टेफलॉन होना चाहिए क्योंकि बाकी के तीन कंडेंसेशन है क्लियर परफेक्ट सो आई होप दै इज यू आर मार्किंग द आंसर्स ठीक है मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूं नो बट आई होप यू आर मार्किंग दी आंसर ये प्योरली एन सी आर टी प्योर एन सी आर टी हमेशा बोलता हूँ एनसीआर टी पढ़ो बी ट्वेल्व क्लियर श्योर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अपन ओके अगेन कैलकुलेशन द फॉलोइंग सोलूशन वे प्रिपेयर बाई डिजोलविंग टेन ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू फिफ्टी एम एल अगेन टेन ग्राम ओके क्वेश्चन देखो सेम आ रहा है टेन ग्राम टू फिफ्टी एम एल ओके भी सेम है अगेन टेन ग्राम 250 ml. Clear? क्या पूछा है अपने को? Pi? Pi Chalo, हर एक का मोलैरिटी निकाल लेते हैं ठीक है आंसर पता है ऑब्वियसली हम आंसर क्विकली दे सकते हैं बट येस आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट एक मिनट ही लगेगा इज नॉट मोर देन वन मिनट ठीक है एक मिनट में हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ठीक है सो बहुत आसान है पहले हम किसका निकालेंगे ग्लूकोज का देन इट विल बी यूरिया एंड देन इट विल बी वॉट सुक्रोज इसका जो पर्टिकुलर प्रेशर होगा दैट विल बी पी वन पी टू पी थ्री ठीक है श्योर सो मेरे को निकालने के लिए ऑब्वियसली टेन ग्राम्स है सब जगह टेन ग्राम्स ही लगेगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम कर रहे हैं हम टेन ग्राम सब जगह ओके okay. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे ग्राम पता है मोलिकुलर वेट निकालते हैं ग्लूकोज का कितना होता है वन एट्टी यूरिया का कितना होता है सिक्सटी एंड सुक्रोज का कितना होता है थ्री फोर्टी टू बाई वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है टू फिफ्टी एम एल सबका टू फिफ्टी एम एल है राइट दैट मीन्स वन फोर दैट इज मीन वॉट मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाई फोर कोई कैल्कुलेशन की जरूरत नहीं है जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका कॉन्सनट्रेशन बढ़ा एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा ठीक है सबसे छोटा ये दिख रहा है मेरे को देखो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है मतलब वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ा होगा एज सिंपल एज दैट गाइज ठीक है तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा पी टू पूरे ऑप्शन में पी टू देखो या तो ऑप्शन टू है या तो ऑप्शन फोर है तो मैं ऑप्शन थ्री और ऑप्शन वन को हटा देता हूं ठीक है उसके बाद वन एटी थ्री फोर्टी टू वन एटी होना चाहिए तो पी टू के बाद पी वन ऑप्शन टू इज द राइट आंसर आई डोंट थिंक सो एक मिनट से ज्यादा का टाइम लगा है बट अगर लग गया है तो बेग इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट सेवेंटी फोर अ पर्टिकुलर स्टेशन ओके ये प्योर एनसीआर है गाइज अगर आपने एनसीआर सॉल्व किया है ना ये क्वेश्चन डायरेक्ट अवेलेबल है इट इज देयर इन एनसीआर बुक दैट्स दट वी कीप ऑन नीट के बच्चों को तो हम प्रेशराइज कर दे कि आप एनसीआर टी पढ़ो केमिस्ट्री के लिए एनसीआर टी बाइबल है आपको कहां ये चीज सीखने मिलेगी इन्फिनिटी लर्न डॉट कॉम पे ठीक है सो अगर इन्फिनिटी लर्न डॉट कॉम पर अभी तक विजिट नहीं होगा तो प्लीज गाइज विजिट जरूर करो ठीक है एंड डू एनरोल इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी वन इट्स माई प्रॉमिस दैट ट्वेंटी ट्वेंटी टू आप लोग डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हो जाओगे कमिंग बैक एन सी आर टी क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्या क्वेश्चन है खाली सी ठीक है वन थ्री सिक्स किलो हर्ट दिया हुआ है मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ वन पॉइंट थ्री सिक्स एट इन टू टेन रेस टू सिक्स हर्ट्स क्या है ये फ्रिक्वेंसी ठीक है स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है दैट इज वाट थ्री इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकेंड क्या पूछा है लैमडा एंड बहुत सिंपल सा है सी इज इक्वल टू वॉट लैमडा टाइम्स न्यू तो लैमडा क्या हो गया सी का वैल्यू क्या है थ्री इंटू टेन रेस टू एट होल डिवाइडेड बाय वन पॉइंट थ्री सिक्स एट इंटू टेन रेज टू सिक्स यहां पे प्रॉब्लमेटिक है क्यों प्रॉब्लमेटिक है ये दो ऑप्शन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर दिया क्वेश्चन बहुत आसान था ठीक है ओके okay. क्वेश्चन बहुत आसान था सिर्फ ये प्रॉब्लम कर दिया है. ये देखो वेरी क्लोज कॉल वेरी वेरी क्लोज कॉल ओके यस फ्रीक्वेंसी गाइस गाइजोट दिया ना सी किलो बार दो दो आस्किंग और चैटिंग में जिस-जिस और चैट में जो डाल रहे किलो हॉट किलो हॉट्स है वन थ्री सिक्स एट है, 1368 है, कॉमा है guys, वन थ्री सिक्स हैन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्स है मैंने उसको वन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू सिक्स कर दिया पहले किलो हॉट्स का टेन रेस टू थ्री और फिर पॉइंट शिफ्ट किया तो टेन रेस टू सिक्स ओके तो आई होप यू गॉट इट राइट नाउ इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू है जो ऑब्वियसली मेरे को लिखना है ओके वन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर वैल्यू इट कम्स आउट टू बी टू पॉइंट वन नाइन टू नाइन इंटू टेन रेस टू टू यह थोड़ा प्रॉब्लमैटिक कर दिया इस बार नीट ने कुछ नहीं कर सकते अपने को इस तरह से कुछ ऑब्वियसली सॉल्व करना होगा अच्छा पॉइंट टू नाइन इज इक्वल टू वॉट टू पॉइंट वन नाइन पॉइंट थ्री सो आंसर वॉज ऑप्शन टू सिर्फ ये एक प्रॉब्लम था ओके क्लियर सो आई होप आपको समझ गया होगा सेवेंटी फाइव हाँ बहुत ईजी है नोबल कैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टूवर्ड्स रिएक्टिविटी आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट सिर्फ इनकरेक्ट ढूंढना है अपने को नोबल गैसेज हैार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एनथल्फी आंसर इज येस इन वाटर आंसर इज येस ये गलत स्टेटमेंट है राइट आंसर right है क्यों ये बोलता है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे आर ऑलरेडी गैसेस किधर मेल्टिंग हाई एंड बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है सो ऑब्वियसली नहीं होने वाला क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स देर आर टू स्टेटमेंट एस्पिरिन एंड एन पैरासिटामॉल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक गलत इट्स अ नॉन नारकोटिक मॉर्फिन एंड आर नॉन नार्कोटिक एनर्जेसिक्स गलत दे आर नार्कोटिक एनर्जेसिक्स खत्म हो गया स्टेटमेंट देख लो किधर है दोनों फॉल्स बोध स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स खत्म क्लियर श्योर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू ऑपटेन दो पॉइंटर है इसमें प्योर मेटल पहला पॉइंटर दूसरा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ठीक है बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या गलती कर दी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर डिस्टिलेशन राइट आंसर ओके क्लियर बट राइट आंसर वो नहीं है राइट आंसर जोन रिफाइनिंग है यहां पे बात इफ आई एम नॉट मिस्टेक इन गेलियम की चल रही है ठीक है बहुत ज्यादा हाई प्योरिटी चाहिए ठीक है सो so, हाई प्योरिटी के लिए अपने को क्या लगेगा जोन रिफाइनिंग ओके लिक्विड एट रूम टेम्परेचर गेलियम की बात चल रही है क्लियर सो अल्ट्रा प्योर अपने को जब प्योरिटी चाहिए होता है तो वी टेक जोन रिफाइनिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन बॉन्ड एंथल्पी पूछा है ऑफ सी एक्स ओके बॉन्ड एनथल्पी ऑफ वॉट सी एक्स काफी आसान क्वेश्चन है जितना छोटा साइज उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ओके साइज छोटा है बॉन्ड लेंथ छोटा है क्लियर है एक वे ये है तरीका बताने का साइज छोटा है बॉन्ड लेंथ छोटा है मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसा भी आप चेक कर लो आई विल गो विध दिस पर्टिकुलर आंसर फ्लोरिन क्लोरिन व्रोमिन आयोडीन बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है मतलब बॉन्ड एंड थल्पी भी कम होते जा रही है ठीक है क्लियर श्योर नेक्स्ट द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म द कंपाउंड शो वर्स ये बहुत आसान वाला क्वेश्चन है इसको पहले एलिमिनेट कर देंगे सी फाइव एक्स ट्वेल्व नहीं दिखा सकता प्योर, प्योर अल्केन है रही बात तीसरी थर्ड एंड फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ को मैं आसान से एलिमिनेट कर सकता बिकॉज इनके पास तीन ही कार्बन है अगर एक फंक्शनल ग्रुप का भी मैं ऑक्सीजन या कार्बन पकड़ लू तो ये दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप नहीं रख सकते बचा कौन सा सी फोर एक्स टेन चेक करना है सी फोर एक्स टेन तो सी चेक कर लो क्लियर श्योर डन ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर माय साइड क्या पूछा है लाइक डायमाइन आयनिस बहुत आसान क्वेश्चन है बना लो ना इसको अगर किसी को नहीं पता सिंपल सा क्वेश्चन था ऐसे चार ग्रुप लगेंगे यहां पे ओके सॉरी सिंपल कितने डोनर आइटम दिख रहे हैं अपने को वन टू टू नाइट्रोजन है टू नाइट्रोजन कहां पे दिख रहा है क्लियरली यहां पे थ्री नाइट्रोजन है नहीं हो सकता हेक्साडेंटेड दिख रहे डोनर आइटम टू नाइट्रोजन आंसर इज सॉल्ट ओके क्लियर श्योर अच्छा अगेन आई एम टेलिंग यू सी गाइज मैंने पंद्रह मिनट भी नहीं लिए बीस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए नॉट इवन फिफ्टीन मिनट्स एंड ट्वेंटी क्वेश्चन ये ट्रिक कहाँ पे सीखोगे ओनली एट वन प्लेस गाइड दैट इज इंफिनिटी लर्न डॉट कॉम अगेन आई एम टेलिंग यू अगर अगर गलती से भी आपका ट्वेंटी ट्वेंटी वन नीट नहीं क्लियर हो रहा है डू रजिस्टर विथ अस जैसे कि आपने देखा सरफराज सर जैसे कि आपने देखा बायो के सुचिता मैम थे मैथिली मैम थे कितना फटाफट मतलब ऐसा लग रहा था फ्लॉलेस आप खुद इमेजिन कर लो आप एग्जाम रूम में बैठे हो इतने फ्लॉलेस सॉल्व कर रहे हो कहाँ पे सीखोगे इन्फिनिटी लर्न डॉट कॉम पे सो प्लीज गाइड ट्रस्ट अस मजा आने वाला है और जैसे 15 मिनट में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये हम सीखने वाले सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज कम टू इन्फिनिटी लर्न डॉट कॉम एक्सप्लोर द वीडियो डू रजिस्टर फॉर द डॉपर बैच ओके सो विद दिस थिंग आई गेस सरफराज सर इज अगेन रेडी टू टेक द सेशन ओके सो हिल बी कमिंग He'll he'll be be coming and he'll be discussing Okay, Okay. clear? Okay. So yes, mm -hmm. जब तक वो आते, तब तक मैं फटाफट खत्म कर लेता okay. have okay. ओकेमियम similar atomic and ionic रेडिया क्यों होता है yes. बहुत सिंपल सा है ठीक है सर फराश सर आते वक्त ठीक है ना मैं थोड़ा तो चांस मार लेता हूँ ना और लाइव रहने का मौका मिल रहा है ठीक है आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है तो ये नहीं आ रहे तो ठीक है मैं फटाफट थोड़ा सा और कवर कर लेता हूं पंद्रह मिनट खत्म भी नहीं हुए मेरे ठीक है सो so, बहुत सिंपल है फोर डी एक ही इसमें आता है क्लियर ठीक है ठीक okay, है हाइब्रिडाइजेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बना लो ठीक है तीन सिग्मा बॉन्ड दिख रहे मतलब sp2 तीन बॉन्ड है मल्टीप्लाई बाय दो इलेक्ट्रॉन मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन देख लो ठीक है श्योर आगे नेक्स्ट वन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन ये क्या है बस इतना ही देखना है सिर्फ इसको देखना है क्या ये पॉर ऑक्साइड पॉर ऑक्साइड मतलब क्या हो गया एंटाई मकानिक रूल पॉर ऑक्साइड इफेक्ट या <coughs> खराश इफेक्ट या खार्श इफेक्ट बोल लो ठीक है प्रोपर प्रोनाशिएशन इज खार्श इफेक्ट

एक्टर कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर द एलिमेंट टू एलिमेंट दैट ट्रू मोस्ट ऑफ द ट्राइव एल एंड कलरलेस ठीक है बट आंसर गलत है यह गलत है बट आंसर सही है ठीक है सो द राइट ऑप्शन ओवर यर इज ऑप्शन थ्री लास्ट वाला भी पढ़ी लेता हूँ आर गुड कंडक्टर ऑफ ईटन इलेक्ट्रिसिटी एब्सुलटली राइट बट आंसर रॉन्ग है स्टेटमेंट सही है अपने को इनकरेक्ट दिख माला ऑके आई होप्स ठीक है आपको बड़ा मजा आया होगा क्वेश्चन आंसर फटाफट सॉल्व करने के लिए लास्ट वन बेरिलियम अल्कलाइन मेटल हलाइट्स है ठीक है कोवैलेंट है जैसे ही कोवैलेंट दिखा एक ही अल्कलाइन अर्थ मेटल के हलाइट कोवैलेंट होते हैं दैट इज वॉट बेरिलियम खत्म अगेन देखो दो मिनट भी नहीं लिए पांच क्वेश्चन वापस से निपटा दिए ठीक है सो प्लीज गाइज दैट्स एन रिक्वेस्ट डू एक्सप्लोर

बी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और सेक्शन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट uh, है मैं देखा कि इसमें अच्छे से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए हैं तो हम नीट के पेपर को ईजी नहीं कह सकते एक स्टैंडर्ड uh, कह सकते हैं ठीक है ठीके? तो आप देखिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग सेक्शन बी की तरफ जो कि फाइनल सेशन है ठीक है और आई होप यू ऑल यू ऑल आर एक्टिव ओवर देर ओके प्लीज़ गिव अ कमेंट राइट नाउ मूविंग फर्दर व्हाट इज सेंग द करॉट ऑप्शन फॉर द वैल्यू फॉर द वेबर प्रेजर ऑफ द सोल्यूशन एट 45 फाइव डिग्री विथ बेंजीन टू ऑक्टेन राइट मतलब इसमें यहाँ पर दो सोलवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं सोलवेंट एंड सॉल्यूशन को और बेंजीन और ऑक्टेन है उसका रेशियो कितना है बताइए थ्री इज टू टू यानी टोटल आपका पाँच हो गया तो अगर मैं प्रेजर बेंजीन का निकालूं प्रेजर ऑफ बेंजीन का अगर मैं निकालूं तो ये हो गया थ्री बाई फाइव इन कितना है बेंजीन का प्रेजर टू एटी हो गया ठीक है और मेरे को प्रेजर ऑफ ऑक्टेन निकालना है तो इट इज टू बाई फाइव इन फोर कितना है देखिए फोर ट्वेंटी तो आई होप इसका आंसर आ जाएगा पहले ही मैंने कैलकुलेट करके रखा हूं तो अप्रॉक्सिमेट इसका आंसर आ जाएगा थ्री थर्टी सिक्स लेट मी चेक या थ्री थर्टी सिक्स इज फाइनल आंसर ऑफ इट राइट यहां पे एटी सिक्स एटी सिक्स आंसर इज फोर कैसे आया फोर देखेंगे फॉर इिवर्सिबल एक्सपेंशन ये की वर्ड है यहां पर ठीक है एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोर्मल कंडीशन तो आप लोग पहले ये बताइए कि आइसोथर्मल कि टेम्परेचर क्या है यहां पे बताइए कॉन्स्टेंट है? है जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता आप है आप लोग बताइए जीरो बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वॉट टेम्परेचर ठीक है और यहां पर कैसा कहा गया एक्सपेंशन एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम यानी एक्सपेंड हो रहा है अगर एक्सपेंड हो रहा है तो इंट्रॉफी तो चेंज तो होगा इंट्रॉफी इंक्रीज होगा यानी एस वन और एस टू का अगर आप डिफरेंस निकाले तो वो जीरो तो नहीं आएगा तो बेस्ट आंसर इज वॉट फोर्थ वन मूविंग फर्दर द इंटरमीडिएट कॉम्पोड एक्स इन फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस इज द डायरेक्ट आंसर द आंसर इज थ्री मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा एक सेकंड के लिए चाहिए तो ठीक है आप देख सकते हैं कि यहां पर क्रोमाइल क्लोराइड है दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड इट इज ऑरेंज कलर कॉम्पाउंड इन कार्बन डाइसल्फाइड अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड ले रहे हो तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा वो इंटरमीडिएट कुछ ऐसे होगा सी एच ओ ओ सी आर दिस इज ओ हैच राइट अगर आप देख सकते हो कि यहां पर से बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों ऑक्सीजन पे ओहेज OH, ओहेज OH बनेंगे और वाटर लॉस होगा और आपको आ जाएगा बेन्जलहाइट राइट right? हाँ अगर हम बीच में इंटरमीडिएट अगर हम एसिटिक एसिडिकॉर्नहाइड्रेट यूज करें या एसिटेड आयन यूज करें तो आपको चांसेस है कि ये आएगा फोर्थ वन लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट वो तो नहीं दिया गया आप लोग को तो आंसर है आपका थर्ड वन नेक्स्ट चूज द करेक्ट देखिए थोड़ा सा यहाँ एरर हो गया ऑप्शन आना चाहिए था इट्स ओके नो प्रॉब्लम माइनर एरर्स तो होते रहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेजर इन द गि मिक्सचर तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करना चाहिए बताइए चार ग्राम ऑक्सीजन है और दो ग्राम क्या है बताइए हाइड्रोजन देयर फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेट बाई ग्राम मोलिकुलर वेट ठीक है बराबर तो आप यहां से आपको एंड टोटल निकाल लीजिए और आपको आ जाएगा P इज इक्वल टू एन टोटल जो भी एन टोटल आ जाएगा ऐड कर लीजिए R कितना है आप लोग लेंगे वन बाई ट्व टेम्परेचर कितना है जीरो डिग्री दैट इज़ टू सेवेंटी थ्री और वॉल्यूम कितना है वन अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट वन क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ तो आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट फ्रॉम द ये तो बहुत ही ईजी और बहुत ये देखिए 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 मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा नीट का पेपर क्वेश्चन ईजी है सिक्स टू सेवन क्वेश्चन बहुत ईजी है और उनमें से ये एक भी है और क्वेश्चन है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर तो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का मतलब क्या हो गया जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए ट्वेंटी सिक्स माइनस टू ये कितने हो गए ट्वेंटी फोर मैंगनीस कितने इलेक्ट्रॉन्स है मैंगनीस के पास 25 और इसमें से आपके माइनस हुए टू और ये बच गया आपका 23 तो आप देख सकते हैं कि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट वन रिमेनिंग तो देखिए टेन 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 और ये दोनों भी जितने भी है सेम आ जाएगा अभी एफ ही प्लस थ्री है ना ये तो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री आ जाएगा आपको ठीक है आगे बढ़ेंगे हाँ ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट है सोडा लाइम सोडा लाइम सोडा लाइम हम किसको कहते हैं बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप मिक्स करते हैं हम इसको कहते हैं सोडा लाइम इसका काम क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ठीक है आपको पता होगा राइट right? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम यह है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या बनाएगा सॉल्ट बनाएगा और वाटर राइट right? और एक बार हीटिंग कंटिन्यू हुई तो यहाँ से आपको रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड का काम यह है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करें और उसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करे तो आपका आंसर हो गया फोर्थ वन राइट इजी इट्स नॉट इजी इट्स मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन राइट राइट आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों के साथ

तो आपको पता है कि एनओ टू एंगुलर है पी ओ सी एल पी ओ पी डेवलपमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है बराबर इस डायरेक्शन में है ये तो फॉर्मल डी हेड है फॉर्मल डी हेड में भी डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो है और आपका आंसर बच गया एस बी सी एल फाइव आगे बढ़े हाँ ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और मुझको लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसको या तो गलत किया या पता नहीं आई कांट से तो देखेंगे कि इसका आंसर आप लोगों में क्या किया तो इसको कैसे सॉल्व करना पर? तो अरे इस इक्वेशन क्या है बताइए आप लोग इसका आंसर मैं पहले डायरेक्ट बता दूंगा आपको अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इट इज कमिंग फोर्टी तो इसका ऑप्शन कैसा आया देख लीजिए आप तो इसका है इक्वेशन है k इज इक्वल टू ए टू दावर माइनस ई ए बाई आर टी ठीक है यानी ln अगर मैं निकाल लूँ तो ln k इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाई आर इंटू वन बाई थ्री ठीक है और यहां से आप देख सकते हैं कि ये तो आपका स्लोप हो गया यानी आपका स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर है तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्लोप तो, तो देख सकते हैं कि आप लोग स्लोप का वैल्यू दे चुके हैं आप लोग को ठीक है तो आप स्लोप का वैल्यू यहां पर रखिए आर का वैल्यू एट पॉइंट थ्री अगर ले लिए तो एट पॉइंट थ्री इंटू माइनस फाइव ऑब्बियसलीक्सिमेटली आंसर फोर्टी वन पॉइंट फाइव आगे बढ़ेंगे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोग के एन सी आर टी से ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हो कि इसका आंसर है फोर कैसे लेट मी चेक वंस प्लीज ए ए फोर हाँ तो आप लोग को पता है कि जितने भी फर्नेस से जो बुरे सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिफरेंट गैसेस लीक आउट होते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फियर में जो एनर्जी रिच ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और यहाँ पर रेडिकल एक्चुअली थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है रेडिकल है और बी में आप देख सकते हो कि क्लोरिन रेडिकल विल ऑलवेज रिएक्ट विद ओजोन गैस एंड फॉर्म सी एल ओ एंड लिबरेट्स वॉट ऑक्सीजन यानी क्लोरिन रेडिकल का, का काम है ऑक्सीजन को बर्बाद करना ऑक्सीजन को तबाह करना ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब एसिड रेन होती है सल्फ्यूरिक एसिड हेस टू एस ओ फोर तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम सल्फेट बनेगा ये यही तो होता है ना ताजमहल पे इसीलिए तो ताजमहल को आप देख सकते हो कि बहुत सारे बार कवर किया जाता है वाई बिकॉज कैल्शियम ताजमहल इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो दिस इज एसिड एंड रिएक्शन एंड लेफ्ट ओवर इज योर ट्रोपोजफियर सो ए हो गया आपका फोर बी आपका हो गया है थ्री सी हो गया आपका वन डी हो गया आपका टू स्मोक राइट right. नेक्स्ट ये रिएक्शन डायरेक्ट बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा आपको पेंजाल और ये रिएक्शन का नाम है गैटरमैन कॉच रिएक्शन और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है और यहां पर आपको आएगा आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट और हेलोफॉर्म सी एक्स एक्स थ्री अगर आप इन प्लेस ऑफ एक्स अगर आप एयोडिन लोगे तो आपको एयोडिन आएगा क्लोरीन लोगे तो क्लोरीन आएगा ब्रोमिन लोगे तो ब्रोमिन आएगा राइट right? और ये रिएक्शन एसिड और अल्कोहल है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है और ये वाला रिएक्शन जो है आपका रेड फास्फोरस पे आपका हेल हेल्बलार्ट जेक्लेंस की रिएक्शन है तो यहाँ पर आपको आ जाएगा एस्टर फॉर्मेशन और यहाँ पे आपको आ जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स राइट तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया आपका हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है राइट तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं ट्रिक वाइज बताऊँ आपको ठीक है ट्रिक वाइज मैं कैसे सॉल्व करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस सी वाले ऑप्शन में आंस ये आयरन है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पर ठीक है इसका मतलब ये हो गया कि आयरन में थ्री डी सिक्स और ये हो गया फोर एस टू एक्चुअली तो इसका मतलब हो गया एफ ई प्लस टू का मतलब ये हो गया थ्री डी सिक्स फोर एस ज़ीरो हो गया ठीक है और साइनड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड है तो आपके ये वाले छः इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेड हो जाएंगे एंटी एंटीपेरिंग हो जाएंगे यानी इसका मतलब क्या है इसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जीरो और एक बार इसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो म्यूजिकल डू रूट एन इन टू एन प्लस टू अगर आप अप्लाई करें तो आपको आ जाएगा जीरो यानी आपका सी का जो ऑप्शन है वो हंड्रेड परसेंट होगा टू तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो और आपको आंसर आ सकता है आपको ठीक है और आगे बढ़े द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आपको यह बता दूं फास्ट एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं आप लोग को लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड का, का काम यह है अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एस्टर्स अमाइड्स नाइट्रो नाइट्रोकॉम्पाउंड यानी असाइल हेलाइट असाइल हेलाइट्स हुँ? और बताइए और इमाइंस यानी और बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसमें आप लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी को रिड्यूस कर सकता है इसकी स्पेशलिटी है लेकिन क्वेश्चन में तो आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया गया है और सोडियम बोरोहाइड्रेट का काम सिर्फ है ये है कि ये बेचारा सीधा साधा इंसान है और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स और असाइल अहलाइट ये तीन ही फंक्शनल ग्रुप्स को प्रिफरेबली अटैक करेगा इसका मतलब ये हुआ तो ये तो एस्टर है ये तो रिड्यूस नहीं होगा ये तो कीटोन है वो रिड्यूस होगा यानी आपको ऑप्शन वो सेलेक्ट करना है यहाँ पर जिसमें एस्टर को डिस्टर्ब नहीं किया और कीटोन को डिस्टर्ब किया तो आपको आंसर आने वाला है आपका पहले वाला आंसर आने वाला है ठीक है लेट मी चेक वंस कभी हो जाता है कि थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह का कुछ एरर हो जाए हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है गया डन आंसर इज फर्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू तो प्रॉपर्टीज तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता दूं क्या इसका आंसर है आपका द तो थर्ड ऑप्शन क्यों थर्ड ऑप्शन है इसका राइट क्योंकि अभी टाइम अपने पास लिमिटेड है तो हमको स्पेसिफिकली बात करना है क्योंकि मेरे बाद स्टेट फिजिक्स टीम आने वाली है और वो लोग आपको फिजिक्स के की बताएंगे और फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा कि हमारे पास 2022 का नीट का बैच फॉर्म हो रहा है हमारे इन्फिनी लर्न की वेबसाइट पर जाइए और एक्टिवली उसको चेक करिए और मैं आपको बता दूँ कि इन्फिनी लर्न के जितने भी स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट अपियर किए हैं और आई एल के एग्ज़ाम कंडक्ट किए किए हैं वो लोग हम हमारा जो पेपर है इट्स एट पार टू द नीट यानी उस स्टैंडर्ड को हमने मेंटेन किया है तो आप लोग चेक कर लीजिए आपके सेल्फ से तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग पी के इंक्रीजिंग पी के का मतलब क्या हो गया ये क्या हो गया डिक्रीजिंग 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 क्या लेना है आपको के वैल्यू लेने का है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो वैल्यू दी गई है तो सेंट्रल आइटम का साइज क्या हो रहा है यहां पर बताइए बड़ा होते चले जा रहा है तो यानी सेंट्रल आइटम का और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीक होगा स्ट्रांग होगा वो वीक होता चले जाएगा तो इसीलिए वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है हम्म अब ये कहाँ पर आ गए हम या yeah. इसका क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है हम 99 तो 99 नाइन कहाँ पर है भैया एक सेकेंड राइट right. मैं चेक कर लूँ राइट हाँ ये तो 100 आ गया ओके okay, सॉरी 99. तो 99 क्वेश्चन अगर आप देखें तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉइंट जीरो जीरो सेवन मोलार असिडिक एसिड इज ट्वेंटी राइट तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको ये पूछ रहा है

तो अल्फा कैसे निकलेगा अल्फा इज इक्वल टू द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ असिटिक एसिड डिवाइडेड बाई मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एच प्लस प्लेस प्लस द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ तो ये तो अल्फा आ गया एक बार अल्फा लो और उस वहां पर वैल्यू रख दो सी तो दिया गया है आपको कॉन्सेंट्रेशन आपको सॉल्व करने पे आपको आंसर आ जाएगा फोर्थ वन ठीक है और आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हो कि मैंने आपको ट्रिकी वाइज बताया और नॉट वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम एनी वेयर इन एक्स्ट्रा डिस्कशन मैं चाहूँ तो आपको सोल्यूशन को एक सोल्यूशन को पाँच मिनट डिस्कस कर सकते कर सकते हैं हम लोग विथ कॉन्सेप्ट लेकिन अब यहाँ पर हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए नहीं है हम लोग सिर्फ की सोल्यूशंस के लिए आए हैं तो वही पॉइंट पर फोकस करेंगे तो द रिएजेंट आर इन द सीक्वेंस इज ये तो डायजोस्टेशन रिएक्शन है तो अब आपका प्राइमरी या थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है इट्स ओके डोंट बॉर्दर इट क्योंकि पेपर तो आपके हाथ में है यहाँ पर देखने का जरूरत नहीं है आपको थोड़ा सा एरर हो गया प्रिंटिंग में तो इग्नोर कर दीजिए ठीक है तो डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ ठीक है अगर आप कॉपर साइनाइड लोगे तो यहाँ पर साइनाइड आएगा वाटर लोगे ओ एच आएगा और ये एब्जेल्यूट अल्कोहल लोगे तो रिडक्शन होगा और इसका साइड प्रोडक्ट आपको आएगा असीटालडी आएगा आपको यानी इथेनॉल यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और एच लोगे तो नाइट्रोजन के सब्श्यूट सब्स्यूट होगा और वहाँ पे आयोडाइड आयन आएगा राइट तो यानी आपका आंसर हो गया आपका थर्ड वाला ऑप्शन तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे चैनल पर आपको फिजिक्स की हमारी टीम आएगी मिस्टर प्रखर वर्मा एंड विभाती हम वो दोनों आपको फिजिक्स का सोल्यूशन और की बताएंगे, एकदम फास्ट और क्विक ओके तो बी स्टेट्यून स्टे बी ऑनलाइन एंड बी रिमेंबर आई एम रिपीटिंग हमारा 2022 का नीट का बैच फॉर्म हो रहा है इनफिन की वेबसाइट पर जाइए और फटाफट आपका फ़ोन नंबर ऐड करिए और वहाँ पर आप जितने भी पॉसिबल मॉक टेस्ट और एल को चेक करिए हमारी वेबसाइट को सर्व करिए और कुछ भी डाउट्स है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स टेक केयर हैव नाइस डे बाय